धोखाधड़ी और ब्लैकमेल करके अवैध रूप से प्रॉपर्टी जमाने वाले साहिल सैयद पर राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री व विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस द्वारा साहिल के खिलाफ गहन जांच की मांग पर गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पलटवार करते हुए साहिल को भाजपा कार्यकर्ता बताया है। भाजपा के दयाशंकर तिवारी एवं महापौर संदीप जोशी को हनी ट्रैप में फंसाने और ऑडियो टेप में मौजूद आवाज जिस साहिल सैयद की है उसे पकड़कर जांच करने उलट गृह मंत्री अनिल देशमुख जैसे जवाबदार व्यक्ति जनता और केस को गुमराह करने वाले गलत पत्र लिखकर भाजपा से संबंध होने का दावा कर रहे हैं। कोरोना महामारी जैसे आपदा के हालत के बीच गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुस्लिम बांधवों से अपील की है कि वे बकरी ईद सादगी से मनाएं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री के साथ हुई बैठक में राज्य में बकरी ईद सादगी से मनाने के लिए कुछ सूचना निर्गमित की गई है ताकि कोरोना के खतरे को टाला जा सके। कोरोना की दहशत बढ़ती जा रही है। मार्च से शुरू हुआ सिलसिला अब भी खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच शुक्रवार को 5 और मरीजों की मौत हो गई है। पिछले 16 दिनों के भीतर 21 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं 125 नए मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। बिना की मंगलवारी न्यू मंगलवारी मानकापुर अब हॉटस्पॉट बनते जा रहे हैं। शुक्रवार को एक ही परिवार के बच्चों सहित बड़ों तक में संक्रमण पाया गया। प्रशासन ने उनके संपर्क में आने वाले की पहचान कर उन्हें क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया में जुट गया है। जिला परिषद अध्यक्ष के पति की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद से जिला परिषद मुख्यालय में दहशत का माहौल है। इसके पहले शिक्षा विभाग का एक कर्मचारी भी पॉजिटिव आया था। जिला परिषद अध्यक्ष के पति पॉजिटिव होने पर अध्यक्ष के होम क्वारंटाइन हो जाने के बाद से जिला मुख्यालय में पदाधिकारियों व सदस्यों का आना बंद सा हो गया है। कोरोना संक्रमण काल में लॉकडाउन के चलते तमाम त्रासदियों को देखते हुए राज्य सरकार की ओर से मिशन बिगिन अगेन अंतर्गत लॉकडाउन में कुछ छूट प्रदान की गई है। दिशा निर्देशों के अनुसार नियमों का पालन करने की शर्त पर राहत दी गई है। यहां तक कि लोगों की ओर से समय समय पर दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए अपील भी की गई है। जिला परिषद के बाद अब कोरोना कलेक्ट्रेट के ठीक बगल में स्थित तहसील ऑफिस में पहुंच गया है। जिन एसडीओ को कोरोना क्वारंटाइन सेंटरों की जिम्मेदारी दी गई थी वो ही अब कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनका परिवार साथ नहीं रहता था इसलिए परिवार पर यह संकट नहीं आया, लेकिन उनके कार्यालय को सील कर दिया गया है। कर्मचारियों को क्वारंटाइन करने की खबर है। मानकापुर पुलिस स्टेशन के तहत मानकापुर स्टेडियम के पीछे एक अज्ञात युवक की चाकू घोंप कर हत्या कर दी गई। कोरोना संक्रमण के कारण गड़बड़ाए एकेडमिक कैलेंडर के कारण विविध शिकायतों की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों में संभ्रम है। अंतिम वर्ष के रिजल्ट को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ। दूसरी ओर व्यावसायिक पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया भी ठप हो गई है। पुलिस अधीक्षक राकेश ओला ने शुक्रवार को ग्रामीण महकमे के एक सिपाही को बर्खास्त कर दिया है। आरोप है कि एक पीड़िता के साथ उसने जबरदस्ती करने की कोशिश की। कपिलनगर थाना में सिपाही के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है। बर्खास्त सिपाही तुलसीराम चटप है, वह ग्रामीण पुलिस के साइबर सेल में कार्यरत था।